हेलो हाय दोस्तों, एक और जावास्क्रिप्ट एग्जांपल वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम करने वाले हैं। और एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। उसमें CSS HTML भी रहेगा जो उसको स्टाइल वगैरह करने के लिए, बटन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे calci.html करके फाइल बनाई है जिसमें सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं। फिर हम एक डिव बनाते हैं अपने जो कैलकुलेटर जो रहेगा उसमें। फिर इसको बेसिकली मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी में डाल देता हूँ इसको कैलसी पैड करके। तो फिर ऊपर एक स्टाइल दे देते हैं हम, और स्टाइल में हम लिखते हैं कैलसी पैड जो आईडी है अपना, उसको जो भी स्टाइल देना है वो देंगे हम यहाँ पे। फिर इसको देते हैं मार्जिन ऑटो करके, और इसकी जो विड्थ है इसको हम करते हैं 400px, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, दे देते हैश 3B 3B 3B, और कलर इसका इसमें जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके लिए कलर दे देते हैं हैश FFF करके। और फिर हम इसको हाइट दे देते हैं 500px करके। फिर अब इसमें हम एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट आईडी उसको देते हैं कैलसी, और इसका रखते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और जो कैलसी करके है उसको भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं सैश कैलसी। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँ तो एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। JS में calci.html करके मेरा फोल्डर है, देखो इनपुट ये नॉर्मल है। अब इसको क्या करना है, बेसिकली इसको सेम जो ऊपर बैकग्राउंड कलर है वही बैकग्राउंड कलर, वही कलर मैं इसमें कैलसी वाले इनपुट में यूज़ करूँगा। और इसको जो विड्थ है उसको मैं रख देता हूँ 100%, और पैडिंग दे देता हूँ 40px 40px, और फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी, फॉन्ट साइज कर देते हैं 30px। तो इसको अभी देख लेते हैं, और इसमें एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं अगर कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या दिखना चाहिए, तो उसमें हम 0 डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये वाला देखो ऐसे 0 करके आ रहा है, ठीक है। और वो उसके बाहर जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो स्टार डाल देते हैं, और सारा जो भी चीज़ें हैं इसको बॉक्स साइजिंग फॉर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको रखते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। और जो नीचे जो टेक्स्ट इनपुट है उसका जो टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, राइट कर देते हैं। सो उससे क्या होगा, जो अपना 0 है वो राइट में चला जाएगा, और बॉर्डर बॉक्स वाले प्रॉपर्टीज है सब इसमें आ गया, ठीक है। और जो इनपुट है इसको जो भी बॉर्डर है हमें बॉर्डर हटा देना है, तो बॉर्डर हम कर देते हैं 0px। तो इस तरह से ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम एक डिव बनाते हैं, और यहाँ पे इसको आईडी देते हैं बटन्स करके। फिर इसमें हम सारे बटन्स डालेंगे 1 2 3 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ई डाल देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक, और इसमें एक फंक्शन इनपुट str करके फंक्शन बनाते हैं, और उसको इनपुट देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं 0 0 के लिए, फिर जो इनपुट जाएगा उसमें हम 0 भेजेंगे। सो जैसे हमने 0 किया वैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं। सो यहाँ पे देखो हम बेसिकली बटन्स बना रहे हैं अपने कैलकुलेटर के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी हम चेंज करते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8
नाइन, और फिर एक डॉट दे सकते हैं डॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में रहेगा एक डॉट, और फिर जो अपने प्लस माइनस वगैरह वो जो उसके लिए कुछ डाल देते हैं। सो सबसे पहला आता है प्लस, फिर माइनस, फिर इनटू के लिए स्टार, और डिवीजन के लिए स्लैश। तो यहाँ पे डालते हैं प्लस माइनस स्टार और स्लैश, और सबका इक्वल टू करने के लिए हम डाल दे देंगे, मतलब कैलकुलेशन को इक्वल टू, और एक बटन डाल देंगे क्लियर करने के लिए। सो क्लियर के लिए हम डालते हैं यहाँ पे सी, और जो क्लियर करते वक्त हम दूसरे फंक्शन बनाएंगे, अभी तो इनपुट एस टी आर वाला फंक्शन बता देता हूँ। अब आता है अपना जावास्क्रिप्ट कोड। सो जावास्क्रिप्ट हम सबसे नीचे स्लैश स्क्रिप्ट, फिर इसमें हम फंक्शन बनाते हैं इनपुट एस टी आर करके, और यहाँ पे इनपुट एस टी आर में बेसिकली एक स्ट्रिंग आएगी हमें, और जो कैलसी करके आईडी है इसमें हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर इसमें कैलसी आएगा, फिर डॉट वैल्यू। सो वैल्यू में हम प्लस इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग वहाँ से आएगी वो उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें ऐड करते जाएंगे इसको। सो ये अपने बटन से, लेकिन इसको मैं थोड़ा अभी स्टाइल कर देता हूँ। सो स्टाइल करने के लिए मैं जो बटन्स करके है यहाँ से हैश बटन्स, उसमें अगर ए रहता है तो उसको विड्थ दे दूंगा मैं, सपोज करो देता हूँ 100 px, क्योंकि मुझे चार बटन अगर एक लाइन में दिखाना है। और जो इसको डिस्प्ले वॉक करेंगे तो वो जो विड्थ उसको अप्लाई होगी, फिर इसकी हाइट भी दे देते हैं 50 px करके, या फिर हम इसको एक काम कर सकते हैं लाइन हाइट दे सकते हैं, लाइन हाइट 50 px करके, और फिर इसको कलर करते हैं FFF कलर। तो ऐसे अपना वाइट ही है तो कलर के देने की ज़रूरत नहीं। सो फिर हम बटन्स, फिर उसको होवर पे हम उसका कलर चेंज करेंगे। तो होवर पे हम कलर चेंज करके इसका ऑरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाते हैं, सपोज करो मैं 24 px कर देता हूँ। तो और उसको टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है उसका सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में दिखेगा। सो अभी देखते हैं, सो ऐसे 0 1 2 आया लेकिन वो नीचे गया, तो उसके लिए हम कर देंगे इसको फ्लोट लेफ्ट करके, तो वैसे वो नहीं जाएगा। तो अभी ये ऐसे अपने पूरे सारे बटन्स आ गए। अब इसको थोड़ा सा सही करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो सी वाला बटन है उसको सबसे ऊपर रख देते हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्यू स्टाइल इक्वल टू क्लियर बोथ करके डाल देता हूँ मैं, और फिर ये सारे बटन्स आएंगे। फिर जो 0 1 2 के बाद में यहाँ पे जो प्लस का बटन है उसको ऊपर रख सकता हूँ, फिर जो दूसरा जो माइनस बटन है वो 3 4 के बाद रख देता हूँ, नहीं 0 1 2 के 3 के बाद रख दिया, 3 4 5 के बाद माइनस वाला बटन रख देता हूँ, फिर इनटू वाला जो बटन है इसको 6 7 8 के बाद रख देता हूँ, फिर 9 वगैरह ऐसे कुछ बटन्स रख दिए हमने, ठीक है। तो ऐसे हमने ये बटन्स बना लिए। अब एक काम करते हैं अभी, अब देखो ये ऐसा चल रहा है। अब जैसे मैं 0 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 पे क्लिक हो रहा 1 2, और प्लस करता हूँ तो ऐसे ही अपना स्ट्रिंग हो रहा है। फिर इक्वल टू में हमारा गलत चीज़ डाल दिया, इक्वल टू में बेसिकली हमें अभी यहाँ पे इक्वल टू पे बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट करके। सो बेसिकली अपना स्ट्रिंग बन रहा है, जब भी हम कुछ करते हैं सपोज अभी सी पे हमें इसको क्लियर करना है, तो सी पे क्लियर इनपुट करके डाल देता हूँ मैं, जो सी वाला फंक्शन है, सी वाला जो
इनपुट बटन है, क्लियर इनपुट करके एक फंक्शन बनाएंगे, बेसिकली क्लियर इनपुट से हम उसको क्लियर कर देंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं क्लियर इनपुट, और इसमें जो कैलसी में जो वैल्यू है वह को हम क्लियर करके ब्लैंक कर देंगे। और फिर दूसरा जो है कैलकुलेट वाला एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें बेसिकली जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको वो कैलकुलेट करके रिजल्ट से अपडेट कर देगा। सो ये जो है इसको इक्वल टू रहेगा और इवेल में ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो अभी देखते हैं हम सी कर दे तो क्लियर हो गया, 1 + 2 सी कर देता हूँ क्लियर हो जाता, 4, 5 + 2 इक्वल टू करता हूँ 7 आ गया, फिर 7 अभी 7 उसको कंटिन्यू हो रहा है। जब भी मैं इक्वल टू क्लिक करूँ जो पुराना है वो रिसेट होना चाहिए। तो एक मैं यहाँ पे फ्लैग डाल देता हूँ, तो फ्लैग के लिए मैं डाल देता हूँ वायर कैलकुलेटेड इक्वल टू, तो सबसे पहले फॉल्स रहेगा। अगर ये कैलकुलेटेड वाला अगर होता है तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड वाला जो फ्लैग है इसको इक्वल टू ट्रू करता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इक्वल टू करूँ और उसके बाद जब भी मैं इनपुट डालूँ तो वो ये नहीं हो जाएगा। इफ़ कैलकुलेटेड, अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहेगा तो हमें उसको क्या करना है, क्लियर इनपुट करना है और उसके बाद नया वाला स्ट्रिंग डालना है। भी देखते हैं इसको, तो सी कर दिया मैंने, 4 + 4 = 8, फिर मैं 8 डाल रहा हूँ, सेम वैल्यू डाल रहा हूँ, तो चेंज करके देखते हैं, 5 + 2 ओके। तो जो हमने क्लियर किया इनपुट कैलकुलेटेड, तो हमें इसको यहाँ पे फिर से इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो 2 + 2 = 4, फिर 7 - 5 = 2, 3 × 8। सो बेसिकली ये अपना एक कैलकुलेटर बन गया है। सो इस तरह से हमने एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें हम इसे क्लियर कर सकते हैं, फिर जो भी हमें प्लस अगर करना है तो मैं प्लस कर रहा हूँ 3 आ गया, फिर मैं 7 - 4 करता हूँ तो 3, 9 × 8 करता हूँ तो 72, 34 - 58 तो माइनस में वैल्यू आएगा -24। सो अपना कैलकुलेटर पूरा वर्क करा, एक सिंपल कैलकुलेटर है। फिर आपको ये जो बटन्स कहीं और रखना है, कुछ और स्टाइल देना है तो आप दे सकते हो। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक बार आपको जावास्क्रिप्ट के जो जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किए उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली हमने सबसे पहले तो एक इनपुट लिया ये वाला ऊपर, और उसको बेसिकली हम जो ये सारे जो इनपुट्स है, सो 0 से लेके 9 तक, और जो भी प्लस माइनस और स्लैश, ये हम इनपुट एसटीआर में भेज रहे हैं। तो इनपुट एसटीआर में हम उसकी वैल्यू जो है एसटीआर की वैल्यू है उसमें ऐड करते जा रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग में उसको जोड़ते जा रहे हैं। और जब वो इसको क्लिक करेगा इक्वल टू को, तो कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा, और कैलकुलेट में बेसिकली इसमें जो भी स्ट्रिंग रहेगी उसमें एक इवेल फंक्शन है। इवेल फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कैलकुलेशन कर देगा और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। सो हम उसकी वैल्यू को अपने इनपुट में अपडेट कर रहे हैं, और इसके बाद एक फ्लैग रख रहा है कि कैलकुलेटेड ट्रू करके, कि अभी जो वैल्यू इनपुट स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू इनपुट जो टेक्स्ट है वहाँ पर है वो वैल्यू कैलकुलेटेड है। तो जब भी कुछ नया इनपुट डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा, तो अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेट रहेगा तो उसको क्लियर कर देगा, और जो कैलकुलेटेड का फ्लैग है उसको फॉल्स कर देगा और नई स्ट्रिंग आएगी। तो इस तरह से ये पूरा चलते रहेगा। तो जब तक भी हमें ये कैलकुलेशन करना है हम कैलकुलेशन करते जाएंगे और ये अपना सब कुछ काम होते जाएगा। सो इस तरह से हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। अगर ऐसे आपको रियल लाइफ मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जावास्क्रिप्ट, अभी तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हम इसमें और भी एडवांस एग्जांपल्स लेंगे, गेम्स वगैरह बनाएंगे, तो ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो अपने बाकी दोस्तों के साथ,
और जिसको भी जावास्क्रिप्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट कैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने, तो आप चैनल पे फिर से आ सकते हो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन्स दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।